फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूं जो आप इजीली जब मर्जी जब दिल चाहे अपने घर पर कर सकते हैं और ग्लोइंग और रिंकल फ्री स्किन पा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है तो चलिए देखते हैं। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फेशियल्स कराते हैं, बहुत सारे बाहर के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आप इजीली घर में अपने फेस पर सिर्फ थप्पड़ मारकर अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं, साथ ही रिंकल फ्री कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है उसको करने का? उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने फेस पर इस तरीके से बहुत हल्के हाथ से ऐसे करके सिर्फ मसाज करनी है। इस मसाज से आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, आपकी जो फेस की जितनी भी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है और जो नसें आपकी ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रही हैं वो खुल जाती हैं और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन करने लगती हैं, जिससे आपके फेस पर ना तो पिंपल्स आते हैं ना ही रिंकल्स आते हैं, साथ ही स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, आपकी एज भी कम दिखती है। साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके की फेस पर परेशानी है, ब्लैकनेस हो गई है, वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन आपको ये करना क्या है, रोज इसको डेली आपको करना जरूर है, चाहे आप 2 मिनट करें। इसके लिए आपको बहुत जोर जोर से थप्पड़ नहीं लगाने हैं, इसके लिए सिर्फ आपको, अगर आप चाहें तो हल्का मॉइस्चराइजर लेके इससे मसाज कर सकते हैं, इस तरीके से अपने फिंगर से अपने फेस पर कर सकते हैं। नहीं तो रात को सोने से पहले आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा रोज वाटर लेना है, अपने फेस पर लगाना है, जैसे मैं अभी आपको लगाकर दिखा देती हूँ। हल्का सा रोज वाटर लेके आपको इस तरीके से हाथ में लगाकर पहले फेस पर टैप कर लगाना है और इसके बाद आपको हल्के हाथ से इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करने लग जाएगा, साथ ही आपकी फेस की जो भी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत इजी मेथड है, आप रोज कर सकते हैं, जब दिल चाहे कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर ज़रूर करना है, क्योंकि हमारा जो स्किन होता है या हमारा कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, जैसे हमारे हेड में भी अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो हम मसाज करते हैं, फिंगर से इस तरीके से मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपके हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। साथ ही अगर आपको कोई भी परेशानी है, सुना होगा दादी से नानी से कि आप अगर शरीर की मालिश करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, वो ऐसे ही नहीं कहा करते थे, वो इसीलिए था कि आपके स्किन में या आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें।